के माध्यम से मैं जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पर सबकी नजर को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं, बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं इसके लिए आपको एक घटना जो है उसको बताना चाहूंगी। लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी, उस दौरान गाड़ी से चार युवक आए, उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। एक महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला और वो वहां से भाग करके निकल करके आई, अपने परिवार के पास पहुंची। बहुत ही बुरी स्थिति में थी वो। उसने जाकर के जो सबसे नजदीकी थाना था, मणियाओं का थाना, वहां पर उसने अपनी कंप्लेन को लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी वहां के जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे उन्होंने उसको नहीं लिखा और उन्हें बोल दिया कि आप सैरपुर के निवासी हैं, आप वहां पे जाइए। जब वहां पे भी वो गई तो उस बच्ची की वहां पे भी कंप्लेन को नहीं लिखा गया और वहां पे भी इसको बोला गया कि ये इस पे जांच करी जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातों को किया गया। और उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची का वो दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद FIR को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और ये तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नियम 56 में वो जो स्पेसिफिक घटना बोली जाती है, स्पेसिफिक घटना है और एक आपने बता दी ना, उसको सुना पूरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि रामपुर थाने में दो युवतियों को लेकर के उनका 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णनगर थाने में देखें तो वहां पे एक युवती की हत्या कर दी गई है। देखिए, उसमें नियम 56 में एक स्पेसिफिक घटना की सूचना होती है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वो आपको अवसर मिलेगा, आप उसको कहने। नियम 56 में आदरणीय अध्यक्ष, जो मेरी बात सुनिए, मैंने उसका उसकी जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उत्तर क्या है? और वैसे सूचना के साथ ही उत्तर आएगा। मुश्किल से नहीं मिला, मेरे आसानी से मिला। मुश्किल तो पहले थी, आज तो आसानी से मिला। नहीं, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। खागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं। उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो पिछली सरकार वर्ष 2017 से 22 तक सरकारी नौकरियां जो भी निकली हैं मान्यवर, अधिकांश वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से वो जांचों में फंसी हुई हैं। जैसा हम सभी जानते हैं मान्यवर कि यूथ एक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी देश की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूथ होती है। उसे और स्ट्रेंथन करने की बजाय हम उसे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं अपने प्रदेश में। उन्हें डिग्री लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बड़ा दुख, बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर, मेरे पास NCERT की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है मान्यवर।